अब साला ये क्या? मुझे नहीं पता, I don't know। ये किसने किया होगा? जिन्होंने भी किया होगा वो खूंखार हत्यारे हैं। हमारे यहाँ जिस योद्धा ने ज्यादा हत्याएं की हैं उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। मैं कुछ करना चाहता था, मैं भूल गया क्या था। वो हमें परख रहे हैं कि हम उनका दबाव झेल पाते हैं। देखिएगा, अगर हम सब मिलिट्री के होते तो ये सच होता, लेकिन हम सब अजनबी हैं, अलग अलग हथियार लेकर। यहाँ कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। हो सकता है पैसे की डिमांड हो। हमारे यहाँ हम किडनैप करते हैं, एक तेल के ड्रम में फेंकते हैं, अगर रकम नहीं मिली तो आग लगा देते हैं। मैंने अपराधियों पर होने वाले अत्याचार की काफी कहानियां सुनी हैं, जहां जेलर लोग अपराधियों के खाने में ड्रग्स मिलाकर उनके मजे लूटते हैं। ड्रग्स नहीं हो सकते। अगर हमें ड्रग्स दिए होते तो अब तक दिमाग पर इसका असर होता, हम में कमजोरी आ जाती, धुंधला दिखाई देता। अगर हम किसी प्रयोग का हिस्सा होते तो हम साला इससे अच्छा तो फांसी पर लग जाता। यार हम जाकर रहे हैं। हमें इस ग्रह पर लाया गया है, बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ये क्या था? हेलो, और आ रही है? कर क्या रहे हो? फोर्टनाइट का भाई साहब, मैं जब खेलने के लिए बोलता तो खेलते नहीं हो। एक मिनट में आया, मेरा लाइट चला गया था। जहां से भी आए हम उन सबको मार डालेंगे। हम अपने बचाव के लिए छुपे रहेंगे, उन्हें लगेगा कि हम बना ले रहे हैं, वो हमें ढूंढते आएंगे। हम उन्हें ऐसी जगह जाने में मजबूर करेंगे जहां हम आग और गोला बारूद से बौछार करेंगे। हम ये कर सकते हैं, पर मैं अकेला नहीं कर सकता। हमारा यहाँ होना कोई मायने रखता है? हो सकता है हम मर चुके हैं। मुझे तो 2 दिन में फांसी होने वाली थी। मैं जंग के मैदान में था। मैं भी था। ये नर्क है। देखो, एक बात तो माननी होगी कि यहाँ आने में हमारा कोई हाथ नहीं था। अब क्यों, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात सोचो। सवाल यह है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। कहाँ जा रहे हो? ऊपर ऊंचाई की तरफ। हमें एक साथ रहना चाहिए। तो फिर तुम मेरे पीछे आओ।